गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो आज है मंडे। कैसे हैं आप सब? आज का ब्लॉग हम बताएंगे। चलो ब्रेकफास्ट है, धनिया की चटनी, कॉफी और मिक्स दाल पराठा कल का। तो भाई आज ना ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं करी अभी तक। वैसे सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे, पार्थ को छोड़ा, सब कुछ बहुत अच्छे से निपटा गया था। एडिटिंग में बिजी थे रणु अपने काम में। तो नाश्ता करते हुए हम ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हे गाइस, 1:30 बज गए हैं और तब से मैं ना एडिटिंग कर रही थी। ये देखो, अब जा रही हूँ नहाने। छोले उबाल दिए थे, चावल भिगा के रखे हुए हैं, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं तय लगाने को, लेकिन अभी टाइम ही नहीं था। आज बस वीडियो एडिटिंग कर दी ना, अब फ्री हो जाऊँगी। तब भी जाते जाते 3-4 बजे से पहले क्या ही जाएगी। बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ फटाफट, और उसके बाद खाना चढ़ाती हूँ। तो ये देखो, राइस बन गए हैं, छोले में तड़का लगा दिया, आज दिखा नहीं पाई। और ये, और यहाँ पे पूरी का आटा गूंदा है कसूरी मेथी डाल के। यहाँ धनिया कटा पड़ा है। यहाँ पे ना थोड़ी सी कसूरी मेथी भून के रखी है, पूरी में डाली थी मैंने, और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी। ख़त्म हो गया था ना, तो थोड़ा मुझे बनाना पड़ा, मसाले बनाने हैं मुझे अब। और बस आज दिन का खाना नहीं दिखा पाई, आई एम सॉरी गाइज, लेकिन बस बन गया है। अब ये धनिया डाल दूंगी, थोड़े से छोले कच्चे रह गए थे, ये पक रहे हैं। यहाँ पे है धनिया की प्याज वाली चटनी, छोले चावल चटनी, थोड़ी सी पार्थ और मेरे लिए पूरी, क्योंकि मुझे छोले के संग चावल अच्छे नहीं लगते। मुझे छोले इतने पसंद नहीं है। ये पार्थ की दवाई, तो ऑलमोस्ट रेडी है सब कुछ। एक्चुअली यहाँ साथ साथ में खाना भी बन रहा है और एडिटिंग भी हो रही है, इसलिए आज ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही। और धूप देखो कितनी तेज़ आ रही है। कपड़े मैंने यहाँ रखे हुए, अभी कपड़े भी तय लगाने हैं मेरे को। तो नहा के आने के बाद ना फटाफट खाना बनाने लग गया। आज दिखा नहीं पाई क्योंकि ये दोनों भी आ गए हैं, 2:15 हो रहे हैं, आज लेट हो गया मुझे। एडिटिंग, या तो एडिटिंग हो पाती है सुबह या फिर खाना बन पाता है, तो आज मैंने एडिटिंग कर ली। क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन वीडियोज़ नहीं गई हैं मेरे घर से, और भाई आप लोग का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। सैटरडे संडे मैं आजकल मौज मारती हूँ, बाकी दिन तो काम करना है। आज इन लोगों को भूखा रखा है, 2:30 बजे तक खाना पकड़ा दूंगी। तो भाई ये लो, अब हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। आज बनाते भी नहीं दिखाया ना। एक्चुअली मेरे को है ना पूरी ब्लॉगिंग करने की आदत हो गई है, हर चीज़ दिखाने की प्रॉपर, तो आज नहीं दिखाया, बड़ा अजीब लग रहा था। बट छोले रेडी हैं, अब इन लोगों को बोलती हूँ कि ये लो खाना खा लें, खाना खा लो। और यहाँ मेरी पूरी भी बन रही है साथ साथ में सरसों ऑयल में। भाई यहाँ पे मेरी पूरी भी रेडी है, 4 एक अनुक लेंगे 3 में। ये खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अब रखना। तो बस इसके बाद हम तीनों ने ही साथ में खाना खाया। और ये खाना खाने के बाद ना फिर आज इवनिंग में कोई आ गया, तो इसके बाद में कुछ भी शूट नहीं कर पाई, बस यहीं तक शूट किया। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप लोग के लिए शूट किया है। तो चलो अब मंगलवार पे आ जाते हैं सीधे सोमवार से, और मुझे छोले पूरी खाने में बहुत मज़ा आया आज। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज है ना सुबह सुबह 9:25 हो रहे हैं, नहा लिया हमने, घर के ऑलमोस्ट काम हो गए, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, थोड़ी सी एडिटिंग भी कर ली सुबह उठ के। तो अभी सबसे पहले का काम जो है आज मैं जा रही हूँ, वो ये हमारे होम्योपैथी दवाई ना 3 दिन से नहीं ले पा रही हूँ मैं, तो मैं जा रही हूँ। और अपने बोला फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाओ, पहले मेडिसिन लेके आते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। तो दोनों के दोनों जा रहे हैं मेडिसिन लेने ना। आज पता है उठने में 7 बज गए थे, 7 बजे आँख खुली, अलार्म बंद करके दोबारा सो गई, पता नहीं कैसे 7 बजे आँख खुली, और आधे घंटे में पार्थों को किसी तरह स्कूल भेजा है। तो आज बिल्कुल मॉर्निंग का शूट नहीं कर पाई। एनीवे थोड़ा थोड़ा चेंज करना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा नहीं लग करना चाहिए ना। ये पहन लेती हूँ, तो चलो दवाई लेके आते हैं और फिर शुरू करेंगे हमारी दिनचर्या आपके साथ। तो भाई प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, ब्रेकफास्ट करके जाएंगे अनूप ने बोला, क्योंकि अनूप वहीं से निकल जाएंगे। तो कुछ नहीं, रात की जो सब्जियां पड़ी हुई है उसी के संग रोटी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं एंड निकलते हैं। चाय में काली चाय तो पी चुकी हूँ वैसे वाली की, तो आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी, आज सिर्फ सिंपल सिंपल सा जहाँ पर शूट करने लायक लगेगा वो, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में हूँ, तो ब्रेकफास्ट खा लेते हैं हम लोग। तो ज़्यादा कुछ नहीं, छोले पड़े हुए थे, बस पराठे निकाल दिए मैंने, अच्छे लगते हैं बासी रोटी पराठे, अच्छा लग रहा है ना बासी रोटी के साथ, बासी रोटी के लिए सॉरी हैं छोले, क्या अच्छा लग रहा है? बीन्स आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, बीन्स दे दूं? नहीं मैं छोले खा लूंगी, या फिर मैं छोले खाऊंगी तो बीन्स नहीं खाऊंगी, एक ही चीज़ खा पाऊंगी ना बाबू, मैं दो तो नहीं खा सकती। तो अनूप पहले नीचे उतर गए थे, वो वहाँ बैठे हुए हैं,
और मैंने क्रेविंग के साथ जा रही हूँ कि आते ही साथ चाय पीऊँगी। ब्रेकफास्ट करते ही साथ भागना पड़ा है, दूध वाली चाय पीने का मन कर रहा था पराठे खाने के बाद। तो ये रहे अनूप, अनूप वहीं से चले जाएंगे अपने ऑफिस और मैं जाऊँगी इनके साथ। तो भाई ये कैमरा है ना आँख ख़राब कर देगा। मैंने इसका फोकस भी सेट किया लेकिन पता क्या होता है, एकदम से धुंधला दिखता है। तो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आँख से आपको धुंधला दिख रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी आँखें एकदम बढ़िया है, चकाचक है। अभी 10 साल चश्मा नहीं लगाने वाली मैं। तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया, फटाफट से निकल आए हैं रोड पर। ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो इस बार ने आज वॉक भी हो जाएगी। वॉक तो खैर रोज़ हो जाती है, पर आज नाश्ते के बाद मॉर्निंग वॉक। तो भाई डॉक्टर तो हमें मिली नहीं, फिर से 1 बजे आना पड़ेगा। अनूप क्या कह रहे हैं? अरे बहुत चक्कर लगा चुके हैं सच में, डॉक्टर नहीं मिलते, भी बंद रहता। हाँ, 3 दिन हो गए हैं मेरे को बिना दवाई के। बैठा रहा था, फिर अब दहशत सी होने लगती है ना दोबारा से। अब हल्का हल्का फील होने लगता है ना, तो फिर डर लगने लगता है। चलो घर चलते हैं, 1 बजे आएंगे। अच्छा इधर शादी भी होती है? देखो हम लोगों की परछाई, देखो बाबू आसमान कितना नीला दिख रहा है ना। ओ शादी हो रही है भैया यहाँ तो, कितना सुंदर डेकोरेट कर रखा है ना, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। किसी की शादी हो रही है, मुझे नहीं पता था। अनूप ने बताया कि यहाँ पे शादी भी होती है, बहुत ही खतरनाक शादी हुई है। अनूप ने बस आ रहे थे तो कह रहे नहीं अब चलो मंदिर चलते हैं, फिर वहाँ से थोड़ा टाइम। मैंने मेरे पे टाइम नहीं है भाई, बर्तन धोने, घर ऐसे ही छोड़ के आई हूँ, खाना बनाना है 1:30 बजे तक। तो बाबू मैं अपना काम तो ख़त्म करके आऊँगी ना, फिर एक बार दिमाग में डाल दिया, मैं आधे रास्ते चली गई, फिर मुड़ के आई मंदिर के लिए, मना नहीं करना चाहिए। 7 बजे उठ के पार्थ स्कूल चला गया, 6 बजे के बाद भी कई बार रोना चिल्लाना लगा रहा, सब होता है आदमी तसल्ली रख के। ये क्या लैंग्वेज है, रोना चिल्लाना लगा रहता है? कौन रोता और चिल्लाता है बता रहे मुझे? प्रैक्टिकल पार्थ रोता और तुम नहीं चिल्लाते? चिल्लाते नहीं, तुम नहीं चिल्लाते, बता दो। ज्यादा शराबत के देवता मत बनो। वैसे तो आप लोग ये ब्लॉग शुक्रवार को देखोगे और मैं गई थी मंगलवार को। तो अनूप मुझे लेके गए कि चलो मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेंगे, तब तक हमारा टाइम भी हो जाएगा, शायद डॉक्टर आ जाए। 9:30 से हम लोग वहाँ बैठे हुए थे यार। और ये देखो, पहले मैं आप लोगों को दर्शन तो करा दूँ भोलेनाथ पे। चलो हम सब मिलके जल चढ़ा लेते हैं और भोले बाबा आप सब की सारी मनोकामनाएं अच्छी वाली पूर्ण करें। और पता नहीं मुझे ही इतनी खूबसूरत लगती है माता रानी कि आपको भी लग रही है, ज़रा देख के बताना। ये देखो कितना खूबसूरत चेहरा है यार। सोचो अगर सच में ऐसी कोई लेडी होती जिसके चेहरे पे पूरी ममता दिखाई देती, बहुत ममतामयी चेहरा है माँ का। देखो आप ध्यान से, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखो इसी मंदिर में ना एक और मूर्ति है हनुमान जी की, जो मम्मी को बहुत ज़्यादा लुभावनी लगती है। मम्मी कहते हैं ना ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लग रहा है हनुमान जी का चेहरा देख के? कभी कभी कुछ मूर्तियाँ सच में ही बहुत आकर्षित करती हैं, उनमें बहुत बात होती है कुछ ना कुछ, जो आपको बार बार दिखाई देती हैं। तो भाई मंदिर में स्थापित मूर्तियों का अपना एक महत्व तो होता ही है। फिर अनूप और मैंने काफ़ी टाइम बचा था तो यहाँ बैठ के, हनुमान जी का मंगलवार था तो हनुमान चालीसा भी पढ़ी दोनों ने बैठ के साथ में, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन वो हम शूट नहीं कर सकते ना क्योंकि दोनों ही पढ़ रहे थे। फिर अनूप ने इतना फास्ट फास्ट पढ़ा कि अनूप ने शायद मुझे शूट कर लिया है यहाँ पे। मैं थोड़ा स्लो पढ़ रही थी, वो देखो मैं वहाँ बैठ के बैठी हूँ अपना हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। और भी दोहे वगैरह थे वो सब मैंने पढ़े, तब तक अनूप शूट कर रहे थे। और एक पता नहीं क्या ही कनेक्शन है इस मंदिर के बाहर, ये जो एरिया है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सी फीलिंग आती है, जैसे मेरा कोई रिश्ता है ऐसी जगह से। ये गाय, ये छोटा सा जंगल जैसा एरिया, ये पक्षी, और पता नहीं कुछ तो महसूस होता है। और जब भी सोचती हूँ ना यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो पता नहीं मुझे बहुत बुरा सा फील होता है। मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये स्पेस ऐसी ही रहे। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस एरिया में, और आपको देख के भी महसूस होती होगी। उसके बाद हम काली माता मंदिर भी गए, कालीबाड़ी, एंड फिर हम आए गुरुद्वारे। यहाँ गुरुद्वारे में जब हम माथा टेक रहे थे ना,
बहुत ही धीमी आवाज़ में शब्द कीर्तन आप कुछ भी कह लो वो चल रहा था। मैंने अनूप से कहा कि मैं ना भूल जाऊँगी, आप प्लीज़ इस शब्द को याद रखना, इस कीर्तन को मैं घर में जाके सुनूंगी। और फिर पता है क्या हुआ, मैंने आके बहुत सर्च किया बट मुझे मिला ही नहीं। जब आज मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब मुझे जाके इसमें से ये निकाला, मैंने गूगल सर्च किया, बहुत मुश्किल से मिला है। मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, आप भी सुनो और बताना कैसा लगा। इस तन तन को क्या कर भैया, इस तन तन को क्या कर भैया। अच्छी डेट पे बेटा, अच्छी डेट पे सारे तीर धाम करा रहे हो। तीन मंदिर घुमा चुके हैं, पहले हनुमान जी शिव जी, फिर काली माता, अब गुरुद्वारे हैं। इन्होंने मुझे बोला चलो ना साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, ये तो यहाँ मेरे को तीर्थ कराने में लगे हुए हो। ओ बुढ़ो कितना सुंदर रोड लग रहा है बुढ़ो, मेरे को पता है क्या मन करता है बुढ़ो, यहाँ पे चप्पल उतार के वॉकी करूँ, पैदल चलूँ, ऐसा फील होता है। सच में बहुत साफ सड़क है यार। तो गाइज अब जाके 11:30 बज रहे हैं, अब फाइनली दवाई मिली है, हालत ख़राब हो गया तो सारे तीर्थ यात्रा भी कर ली, उसके बाद भी मिली और अनुप से थोड़ी सी शॉपिंग भी करवाई, एम एक घरेलू शॉपिंग। तो अब चलते हैं घर और मेरा कैमरा मैन मुझे शूट कर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे वीडियो अच्छी बनती है ना, ऐसे कैमरा मैन दिला दो मुझे। तो अब चलते हैं घर, घर जाके अब शूट नहीं करूँगी मैं, खाना बनाऊँगी, सफाई करूँगी, बहुत ज़्यादा काम करूँगी। देखो गाइस मैं क्या लेके आई है शॉपिंग करी, एक छोटा सा रंगोली बनाने के लिए और ये पाउडर, और उन्होंने बताया कि फ्राइडे को बनाया करना दरवाजे के बाहर। और ये क्या है, पॉलिश है, एक दिन हाँ, तो ये देखो ये है पॉलिश, ब्रास के लिए लेके आई हूँ, लेट्स सी चमकता है कि नहीं। मतलब मैंने उन्होंने बताया कि पानी कभी भी नहीं लगाना ब्रास आइटम में, इसलिए वो काले पड़ जाते हैं। एंड ये है रंगोली, तो इससे हम रंगोली बनाएंगे। एंड ये देखो ये भी लेके आई, ये भी रंगोली है, तो उन्होंने बताया थर्सडे फ्राइडे आप दरवाजे के बाहर बना सकते हैं, एवरी डे भी बना सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा तो ले लिया बस ऐसे ही। और ये है, पहले इसको ट्राई करके देखूँगी। भाई अब घर आ गई हूँ मैं, अब बहुत देर तक कैमरा नहीं उठाऊँगी क्योंकि टेंशन फ्री होगी, मुझे काम करना है, चाहे मैं ज़्यादा बात कर लूँगी आज। लेकिन भाई अनूप ने पता है मैं कितना शूट करती, इतने सारे मंदिर गए हम लोग, इतना दर्शन वगैरह किया, तब भी टाइम पास नहीं हो रहा था। एक बार को तो अनूप का जो है ना बिल्कुल पारा फूट गया हॉस्पिटल में, और एकदम गुस्सा होकर बोलने लगे कि टाइम की वैल्यू नहीं है आप लोगों को, तो समय बर्बाद कर रहे हो सुबह से। फिर मैंने डॉक्टर से बोला तो उन्होंने बोला आप अगली बार जब आओ तो 11:30 बजे के बाद ही आना, 11:30 से पहले मैं नहीं आती हूँ। तो देखो आज हमारा सारा काम रुक गया, इतनी तसल्ली से मैं बात कर रही हूँ लेकिन नहीं, पूरा किचन अभी मुझे साफ करना है, बर्तन ब्रेकफास्ट के खाना बनाना है, इसलिए अब मैं आज बहुत सारा शूट नहीं करूँगी, आज कुछ अलग से शूट कर लूँगी। तो यहाँ देखो एक कमेंट आया है, प्लीज़ डोंट कीप things open in fridge दी, you keep all eatable open, please don't do that। तो चलो मैं आपको फ्रिज पे लेके चलती हूँ। इस टाइम ये देखो गैस जल रही है, ये एक चीला बना रही थी मैं, यहाँ कड़ी चला रखी है मैंने, ये देखो यहाँ कड़ी चढ़ाई है। अब ना इस टाइम फ्रिज की जो कंडीशन है मैं एग्जैक्ट वो दिखाऊँगी आपको। मेरे फ्रिज में कभी भी कुछ भी ओपन नहीं रहता है डियर, कभी भी नहीं। ये कल के राइस है, बंद है। ये अनियन है, बंद है। ये वेजिटेबल्स हैं, ये देखो इसको मैंने पत्ते में कपड़े में बांध के रखा हुआ है। ये क्या है पता है आपको, ये फेस पैक है, और इसको भी देखो एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से बंद है। ये पार्थू की दवाई है, ये भी बंद है। कुछ भी कभी भी मेरे फ्रिज में आपको ओपन नहीं मिलेगा, मैं कभी नहीं रखती हूँ डियर, कभी भी नहीं। मैं बाहर भी कभी कुछ ओपन नहीं रखती हूँ। आपने बादाम के लिए एक दिन कहा था इस चीज़ को, मैंने मेंशन किया ओके बेबी, बादाम कब खुले रहते हैं, जिस दिन अनूप बादाम को भिगाते हैं ना उस दिन बादाम ओपन रहते हैं, क्योंकि वो नहीं रखते। मैं मानती हूँ इस बात को, वो कभी बादाम नहीं रखते, और इस बात को लेकर मैं उनको डांटती भी हूँ कि बादाम ढको अगर कॉकरोच वोकरोच आ जाए, छिपकली आती है कई बार, पानी पीने रात को आते हैं कीड़े मकोड़े, तो हो सकता है कि टच कर, बाकी तो मतलब ही नहीं होता। आप मेरी मम्मी से पूछो कि मैं अपनी मम्मी को डांटती हूँ इवन कि मम्मी फ्रिज में कुछ भी ओपन नहीं रखना, ढक्कन लगा के रखो। क्या है आपने ऐसा देखा कि फ्रिज में खुला था, आई डोंट नो,
कभी कोई चीज बाय मिस्टेक रखी गई हो, अनूप ने रख दिया हो या किसी और ने रखा हो, मैं कभी भी कुछ फ्रिज में ओपन नहीं रखती। बाहर कभी कुछ चीज़ क्या होती है आप लोग जब देखते हो तो मुझे पहले ही ढक्कन हटा के रखना पड़ता है, क्योंकि इमिडिएटली मुझे कैमरे से शूट करना पड़ता है। बार बार मैं हर एक चीज़ का ढक्कन नहीं हटा सकती, तो मैं क्या करती हूँ, पहले उनके ढक्कन हटा देती हूँ, देन आपको शो करती हूँ कि अब ये है अब ये है। तो प्लीज़ सच में बिलीव मी और नॉट, मेरे फ्रिज में कभी भी बिना ढक्कन के कोई चीज़ नहीं होती। आपने ऐसा आई डोंट नो क्यों लिखा। हाँ, कल के व्लॉग में आई थिंक मैं चाय बनाती हुई दिखा रही हूँ, उसमें मैंने दूध निकाला है ढक्कन में फ्रिज में रख के आई हूँ एंड दूध को खाली मग्गा लेके आई हूँ, तो वो भी मेरे उसमें फ्रिज में बिना ढक्के नहीं रहता। तो पता नहीं आपने कैसे कह दिया कि दीदी आप हर चीज़ फ्रिज में खुली रखते हो, मतलब ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो भाई, पार्थू के आने का टाइम हो गया है, पार्थू को लेने चल रहे हैं। ये क्या है भाई, ये क्या चीटिंग है भाई, हैं? ये क्या? नो, पुरानी है। आप हमेशा मुझसे पहले कैसे आ जाते हो, हैं? अभी आया हूँ, तब तक खाना बनाते हैं। अच्छा, how was your day? Good. Only 3 days for. Shoes रखो अपने। School. पार्थो भी आ गया गाइज। आज तो मैंने बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर रखी है, मॉर्निंग में जो शूट किया था ना वो प्रेस के कपड़े भी आके रखे हैं। अब पार्थो के काम में आधा पौना घंटा। पार्थो शूज कहाँ लेके आ रहे हो बेटा, वहाँ रखो, वहाँ उस वाले रूम में। तो पार्थो यहाँ पे खाना खा रहा है, आज नहाया नहीं, बोल रहा है रात को नहाऊँगा। और पार्थो अपना बैग वैग सब संभाल के रखना बेटा। और यहाँ देखो, ये ना पार्थो के स्कूल में अभी कुछ दिन पहले आया था कि 1 to 10 टेबल लिखनी है, तो इस तरह से पार्ट 2 तो क्या ही लिखता, मेरे को ही लिखना पड़ा। और यहाँ पे हमें मिला है वेरी गुड। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैम ने बोला इसको अपने घर में चिपकाना, तो ये चिपका तो मैं नहीं सकती घर पे, अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो मैं इसको बना देती हूँ पार्ट 2 के लिए एक छोटी सी बुक। और कैसे बनाती हूँ अभी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से बना दी मैंने, सबको कटिंग करके स्टेपल कर दिया है, 3, 4 ऐसे 5। तो ये लो पार्थो आपके लिए, आपकी टेबल, ठीक है पार्थो, टी शर्ट पहन बेटा। तो भाई अब जाके मुझे टाइम मिला और अब मैं करूँगी एडिटिंग। ओके, तो टाइम देख सकते हो अब 4 बज गए हैं, पार्थो ने खाना वाना खा लिया है, तो अनूप और विराज भी आ गए थे, फिर हमने खाना वाना खा लिया, कड़ी चावल बनाए थे आज, तो बस अब पार्थो ने भी खा लिया। अब 4 बज रहे हैं ना, अब 6 बजे तक मेरे पास टाइम है 2 घंटे। अरे तो अब 2 घंटे मेरे पास टाइम है, तो मैं एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियो अपलोड कर दूँगी, 6:30-7 बजे तक चली जाएगी, फिर उसके बाद वही शाम का काम, शाम को मिलेंगे, चाय पे मिलती हूँ आपसे। तो ये गाइस टी टाइम हो गया है और मैंने टी भी बना ली है। तो ये देखो, मैं स्पेशल आज आपको पता है क्यों दिखाने के लिए आई हूँ, चाय तो मेरी ऑलरेडी बना ली थी मैंने। ये लड्डू है ना, विराज ने बनाए हैं अपने हाथों से, वो बोलता है मैंने अपने पर्सनल हाथों से बनाए हैं, पिछले साल भी बनाए थे, बहुत टेस्टी। इस बार जो उसने इसमें ना घी बहुत कम यूज़ किया है, रोस्ट करके इसने ड्राई फ्रूट डाले हैं विराज ने, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बिलीव मी, ऐसा लगता है किसी बूढ़ी बुजुर्ग महिला ने बनाए हैं। तो पार्थो यहाँ बैठ के अपनी दवाई पी रहा है, थोड़ा धुंधला हो जाता है बीच बीच में। मैं एडिटिंग कर रही हूँ और ये रही मेरी चाय। 7:30 हो चुके हैं और ये देखो चाय का कप यहाँ है, 7:30। आज कुछ भी ना, मैं एडिटिंग अब जाके डन हुई है गाइस मेरी, कुछ वीडियोस तो ऐसी होती है ना भाई बाप। ये देखो अब मैं पूजा करूँगी, अरे नहीं छिपकली कहाँ से आ गई। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद खाना बनाती हूँ क्योंकि सब लोग भूख कर रहे हैं। देखो चाय के बर्तन ऐसी धोऊँगी अब, तो चलो भाई सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ। आज की व्लॉग तो बस ऐसी है, और ऊपर से पार्थो चप्पल तोड़ के ले आया है, यहाँ देखो ये भी टूट गई, तो कुछ नहीं कर रखा है, सन्नाटा है, भजन लगाते हैं और अपना खाना बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। आज कुछ नहीं किया है आज मैंने, तो आज कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ, बस जो जैसा बन रहा है मैं अभी बना ही दे रही हूँ। तो भाई यहाँ हमारी रोटियाँ भी बन गई, यहाँ हमारी पनीर भुर्जी भी बन गई, और टाइम बताऊँ आपको तो 7:20 हो रहे हैं, मतलब 1 घंटे से पहले ही मैंने आटा गूंद के रोटी भी बनाई है और सब्जी काट के सब्जी भी बनाई है। अब मैं पूजा करूँगी क्योंकि 7:30 होने वाले हैं,
मुझे ऐसा लग रहा था ना, नहीं सॉरी 8:30 होने वाले हैं, सॉरी 8:30 होने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि अगर अनुपम विराज जाके पहले खाना दे दूँ भाई, पूजा से बड़ा काम पहले पेट भरना है किसी का, ये लोग भूखे रहेंगे तो फिर। तो अब मैं फ्री हूँ, अब मैं पूजा करूँगी, उसके बाद में थोड़े से बर्तन हैं जो खाने के वो माँजूँगी, फिर मैं एडिटिंग करके आई हूँ ना उसको अपलोड करूँगी। तो भाई काम है कि ख़त्म होने को ही नहीं आते, कभी कभी बहुत ज़्यादा हैट्रिक होता है डे। और ये देखो हमारा पारा बाबू यहाँ बैठा है, इसको भी साथ साथ में पढ़ा रही हूँ। आज है ना पारा ने ना 3 का टेबल लर्न कर लिया। दोस्तों सुनाओ कि भाई पार्थू ने ना 3 का टेबल भी लर्न कर लिया। देखो पार्थू सुनाओगे? सुनाओ। 3 3 3 9 3 4 2 3 5 15 3 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 24 3 10 30 कल 4 का लर्न करोगे? हाँ क्या हो गया? ओहो मच्छर है ये तो। चलो कल 4 का लर्न करोगे दोस्त? अरे भैया जाने दो उसको, तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा है, काटना था काट चुका। ये किसने बनाया? मैंने। क्या है ये? वाह ये तो बहुत अच्छी लग रही है। तो पार्थो ना लर्न करेगा और अब इसके एग्जाम आ रहे हैं ना तो रिवीजन हो रही है, वो लर्न करेगा और मुझे सुनाएगा। ठीक है बेटा करो, जो आज रिवीजन कराई है ना मैम ने वो करो। तो गाइस इसी तरह से आज की दिनचर्या है। हाँ तो पहले जो कराई बेटा उसे लर्न करो, लास्ट का पेज देखो वो वहाँ पे जाओ। तो गाइस चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करते, बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगी, अब थक गई हूँ, मुझे पता है इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। फिर दिमाग में ना ऐसा रहता है अभी कुछ करना है, शूट करना है, एंड नहीं किया। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो कमेंट करिए ही करिए, लाइक करिए। आते हैं कल, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, बाय।